Assalamu alaikum and welcome to Q&A with PJ Mir. Assembly adjourned ho gayi till Friday. In between jo parties hain apni meetings mein lag gayi hain, consultations ho rahi hain ki aage kya laaya amal hoga. क्या होगा बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे कई लोगों से मेरी बात हुई नेशनल असेंबली में नो वन इज डिसाइसिव सब अनडिसाइसिव हैं कि जी हमें नहीं पता कि इस वक्त क्या होगा लेकिन साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल जो स्पीच की है एक दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी जो है करप्शन अगेंस्ट करप्शन उस पर उन्होंने एक JIT बना दी है जिसमें काफ़ी सीनियर लोग आए हैं एंड दे विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑन करप्शन एंड दैट विल बी अक्रॉस द बोर्ड इस पे हम बात करेंगे साथ साथ ये जो बजट है इस पे भी अब कम से कम 21 दिन तो चाहिए आपको 21 दिन के बाद फिर वो सेनेट में जाएगी फॉर फाइनल अप्रूवल एंड देन फिर आपका बजट आगे आएगा बजट पे रिजर्वेशंस हैं कई कहते हैं बहुत अच्छा है कई कहते हैं नहीं अच्छा है ये हमेशा हुआ है ये हमने PMLN के ज़माने में देखा पीपल्स पार्टी के ज़माने में देखा इवन इन अ मिलिट्री आपके लिए हुकूमत जनरल मुशर्रफ की वहाँ भी हमने देखा तो ये हर जगह होता है और तनकीद जब होती है बराए तामीर तो उस पर फ़ायदा अपोजिशन का भी है और गवर्नमेंट का भी है और गवर्नमेंट का क्या होता है कि वो भी पाकिस्तानी है लेकिन इसके अंदर एक हेल्थी डिबेट होनी चाहिए लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब ये बजट प्रेजेंट हो रहा था तो जो बिहेवियर था आई थॉट दैट वाज अनरूली और इसमें मैंने पहले भी क्रेडिट दिया है शायद खाकान अब्बासी को कि जब वो पर्सनैलिटीज़ पर कोई बात हो रही थी तो उन्होंने रोका कि ये ना करें तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि अब आप इमरान खान को दबा के तनकीद का शिकार बनाएं पूरे गवर्नमेंट को बनाएं जो मर्ज़ी करें पर्सनल लेवल पे ये जो चीज़ आई थी मेरा ख्याल है आई कैन से इट विद अथॉरिटी ये ना नवाज शरीफ चाहते हैं ना चाहते थे ना जरदारी साहब चाहते हैं ना चाहते थे इन तीनों का मैंने देखा है लेकिन हाउस के अंदर मैंने सिर्फ एक आदमी को देखा शायद खाकान अब्बासी को जिसने मना करते रहे कि ये आप ना करें इस तरह की बात ना करें तो अच्छी बात है ये लेकिन अब आपकी मोडालिटीज़ क्या हो गई है नेशनल असेंबली की वो आपको भी पता है मुझे भी पता है हमारे पैनलिस्ट को पता है और हमारे पैनलिस्ट आज कौन हैं ये है सहर कामरान सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है उनके साथ हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक PMLN से इनका ताल्लुक है एंड ऑफकोर्स उनके साथ हैं अमजद नियाजी साहब बाय द वे ही इज़ द सन ऑफ शेर अफगान नियाजी ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिनसे तीनों से बातचीत होगी तो मैं सहर आपसे शुरू करूँगा एक तो पहले तो करप्शन पे कि ये जो एक स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वसीफरस स्पीच की है यू एग्री विद इट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पीछे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रात के 12 बजे ये जो एक बेरब्त बेजब्त बे आवाज़ स्पीच थी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो अंडर सेंसरशिप थी या वो कहीं ऐसे रिकॉर्ड हुई थी कि उसको म्यूट करना पड़ रहा था बारी बारी या वो उसकी एडिटिंग नहीं हुई थी और दूसरी बात ये कि मैं ये भी समझना चाह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाह क्या रहे हैं मुझे लगा कि शायद वो आज भी उसी कंटेनर पर खड़े हैं जिससे अब जिस पर अब से चंद साल पहले खड़े थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये ज़ुबान ये गुफ्तगू शायद पाकिस्तान के आवाम को भी काबिल कबूल नहीं है मुझे अच्छा लगता कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कल जब ये तकरीर कर रहे थे तो ज़रा बेहतर वक्त पे कर लेते ताकि जो लोग सोए हुए हैं वो भी इसको सुन सकते लेकिन उनको पता है कि कौम जागी हुई है देखें कौम जागी नहीं कौम तो रो रही है उन्होंने जो वादा किया था कि कौम को रुलाना है तो मैं कहूँगी कि बिलाशुबा उन्होंने कौम को रुलाया और वो कौम को रुलाने लगे हैं क्योंकि जिस किस्म का बजट आया जिस किस्म की तरजीहात हैं उस पर आगे बात करेंगे लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे खुशी होती अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते कि ये जो 10 महीनों की 11 महीनों की जो इनकॉम्पिटेंस है उसके लिए भी मैं कोई कमीशन बना रहा हूँ जो इनकॉम्पिटेंसी और उससे होने वाले जो डैमेजेस हैं उनके लिए भी कोई कमीशन बना रहा हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये एहतसाब का अमल अपने घर से शुरू करते अगर वो कहते कि BRT मंसूबे के ऊपर जिस किस्म की बेकायदगियाँ और किकबैक के इल्जामात हमारी अपनी कमेटी ने साबित किए हैं कि 7 बिलियन की किकबैक है जो सवाल मालम जब्बा पे उठ रहे हैं जो सवालात जो है वो बिलियन ट्री सुनामी उस ट्री उसके ऊपर उठ रहे हैं उनके ऊपर भी तहकीकात होंगी मगर प्राइम मिनिस्टर के लहजे में रऊनत फिरौनियत और मैं कुछ चीज़ों के ऊपर तो शायद मैं इधर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगी यही आप नवाज शरीफ को भी कहते थे देखिए मैं ये कहूँगी कुछ चीज़ों पे मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगी क्योंकि उन्होंने जोग्राफिया तो वो पहले बदल रहे थे लेकिन कल ज़रा तारीख को भी उन्होंने जो है जंग उहद और गजवात के बारे में
जिस तरह के उन्होंने जंग खंदक जिस तरह की उन्होंने बातें की तो उसके ऊपर सवालात मैं समझती हूँ कि आलिम दीन ज़्यादा बेहतर उठा सकते हैं. वो कहते हैं कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करके आया हूँ. अल्लाह ताला जो है मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह वो वली अल्लाह होंगे, क्योंकि मेरी उतनी पहुँच नहीं है. लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के अवाम की फलाह और बहबूद को सामने रखते, अगर वो अपने ओहदे अपने मर्तबे को समझते, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते, तो शायद इतनी बेरब बेजब जो है तकरीर ना होती. शाह साहब, जब भी किसी पे कोई ब्लेम आया है अक्रॉस द बोर्ड, आज की मैं बात नहीं करता, वो कहता है जी हमें टारगेट किया जा रहा है और दूसरों को नहीं किया जाता. ये ट्रेंड क्यों है पाकिस्तान में? और सब यही कहते हैं इदारों को मजबूत होना चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू पीजे. पहले मैं भी थोड़ा सा, जो कल नहायत ही डिसअपॉइंटिंग एक स्पीच कल हुई सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, वो एक्चुअली अब तो बात कंफर्म हो गई कि ही सेलेक्टेड, क्योंकि अगर वो स्टेट्समैन होते, अगर वो पूरी कौम के प्राइम मिनिस्टर होते तो वो खाली पीपल्स पार्टी और PMLN को ना टारगेट कर रहे होते. उनकी तमाम स्पीच में गुस्सा था, नफरत थी और इश्तियाल अंगेजी थी और एक इनटॉलरेंस थी. देखें जो बजट में कल हुआ पीजे, वो कोई नई बात नहीं हुई. मेरा भी ये, मैं सेकंड अटेंड कर रही हूँ और उससे पहले टेलीविजन्स पे पिछले साल इनकी शीरीन मजारी, मैं नाम लेके कह रही हूँ, चढ़ दौड़ी थी मिफ्ता साहब पे, उनके आगे हमें खड़ा होना पड़ा था. इसी तरह कागज़ फटे थे, इसी तरह नारेबाजी की थी. और ये तरीका ऑपोजिशन तो करती है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया कि उनको इतना सब्र नहीं था, इतना हौसला नहीं था कि वो बर्दाश्त कर लेते, और वो नफ़रतों से और इतनी, मतलब अल्लाह, आई डोंट वांट टू से इट पीजे, बट एक्चुअली गुस्से में अगर मैं कहूँ कि बस मुंह से झाग निकलने की कसर थी, तो इतना गुस्सा उनके ऊपर था. और मुझे नहीं पता वो जो ब्रेकअप्स वो जो दो हुई हैं वो एक अनमैनेजेबल प्राइम मिनिस्टर को मैनेज करने के लिए हुई हैं या वो क्या थी वो ब्रेक्स जो इस पे GIT बिठा उस पे. देखिए हर चीज़ पे, पर कोई तो बताए कि वो क्या था. वॉज ही सो अनमैनेजेबल? वॉज ही, इतनी वेंजेंस थी उनके उस पूरी स्पीच में, इतनी नफरत थी, मैं देख लूँगा, मैं निमट लूँगा. और वो ऐसे कर रहे थे जैसे ऑल ट्रबल्स आर ओवर, अब मेरे सर से बोझ उतर गया, अब मैं एक फ्री मैन. वॉट इज़ हैपेंड? आगे मैशत तबाह हुई खड़ी पड़ी हुई है, आगे कुछ रोड मैप नहीं है, आगे कुछ पता नहीं है कि किस तरह हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. भाई किस तरह कर लोगे उसकी कोई बात नहीं थी, हम ये कर लेंगे. तो जैसे मेरी बहन ने कहा, वी वुड लाइक कि ये बजाय 10 साल पीछे जाने के 10 महीने ही पीछे चले जाएं और जितने लोन्स हमें भी उसका हिसाब दे दें. और देखें मैं तो ये बात अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं रियासत मदीना का जिक्र करूँ. हम गुनाहगार, हम मीलों कोसों दूर. वो प्राइम मिनिस्टर जो रियासत मदीना को हर वक्त कोट कर रहा होता है पीजे, उसको कहें कि पहले सफाई घर से शुरू होती है, पहले एहतसाब अपने आप से शुरू होता है, पहले अपने आप को क्लियर करे, पहले उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, पहले बेनामीदार अलीमा बाजी के जो अकाउंट्स, वो उनके नहीं, वो हम समझते हैं कि इनकी न्याजी साहब के हैं, वो पहले घर से सफाई अपने राइट लेफ्ट सेंटर जो उनके साथ लोग हैं उनकी शुरू करें सफाई, फिर रियासत मदीना की बात करें. वो शख्स रियासत मदीना की बात करता है, बहुत ज़ाती बात है पीछे, लेकिन हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ और हमारे जो वो हैं, एक शख्स अनाउंस होता है जो पिछले साल तो उसने नमाज पढ़ी ही नहीं ना, हमें पता है ईद की, बहुत ज़ाती बात है, लेकिन क्योंकि वो रियासत मदीना कोट करते हैं इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ. इस साल उन्होंने 8 बजे की अनाउंस की नमाज, कि सब प्राइम मिनिस्टर हाउस के उस एक कमरे में नमाज के लिए हाज़िर हो जाएं. 7:30 बजे लोग आके बैठे रहे, वो नहीं आए हैं. नमाज 9:45 बजे, कौन सी ईद की नमाज 9:45 बजे होती है? और अगर आपको उसका सबूत चाहिए, मेरे पास फोटोग्राफ है, उसके पीछे घड़ी लगी है, उसका टाइम देख लें जब नमाज होती. तो रियासत मदीना की मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए रियासत मदीना कहना बंद कर दें. ना कोई कुत्तों के साथ रियासत मदीना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, दाखिल हुआ था ना होता है. कभी नंगे पाँव, कभी जूतों के साथ मस्जिद, मतलब लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे? मज़हब को बाहर रखें तो बेहतर है. हम सियासत कर लें, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं. देखें लीड बाई एग्ज़ाम्पल होता है,
He should lead by example. कि आप पीएमएलएन को टारगेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, आपका प्लान कोई नहीं है, क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, उसका मैं पहले जवाब देना चाहूँगा. पीजी मीर साहब, देखिए, इन्होंने कहा जी कि नफ़रत का मुजाहरा किया गया या गुस्से का मुजाहरा किया गया, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है. देखिए, खान साहब बड़े पोलाइट हैं और चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं. देखिए, जब खान साहब ने हलफ उठाना था तो जो कुछ नेशनल असेंबली के अंदर किया गया कि उनको स्पीच ना करें, वो ये कभी नेशनल असेंबली के अंदर फर्स्ट टाइम ये कभी ऐसा किया ही नहीं गया. उसके बावजूद बर्दाश्त का मादा खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मौजूद है और मौजूद रहेगा. खान साहब एक साफ गो बंदे हैं, नियतों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है और वो यकीन रखते हैं कि हमें अच्छे तरीके के साथ जमहूरी तरीके के साथ हमने आगे की तरफ बढ़ना है. असल बात यह है कि जो इनको नज़र आता है कि वो ये है कि खान साहब एनआरओ देने पे तैयार नहीं है. पहले चूंकि सीओडी हुआ, इन्होंने मांगे हैं. हाँ, exactly. And is he capable of giving it? ठीक है ना, वो क्या कि पांच साल हमारे, पांच साहब आपके, आप हमें बचाएं, हम तुम्हें बचाएंगे. तो ये एक इनका एक चल रहा था जिसमें फिर अल्लाह ने इस पाकिस्तान पे एक रहम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में और खान साहब की शक्ल में इस मुल्क के अंदर एक तब्दीली की जो लहर आई, उस लोगों ने उस को देखते हुए वोट दिया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अवाम जो है उनको मैंडेट मिला. अब इनका ख्याल था कि जी ये भी हमारे साथ जो इन ये कहते हैं ना कि हम वो काम नहीं कर सकते जी, ये जो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि हमें उसी तरीके के साथ एनआरओ है क्या कि पहले ये कहते ये इदारों को कहते थे कि जी आप इनको बचाएंगे, हम इनको ये सिंध में लूट रहे, कभी फेडरल गवर्नमेंट में, कभी क्या करते रहे. अब देखें, जब इन्होंने कहा जी कि मईशत का मईशत जो है वो बेहतर नहीं हुई, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने मईशत के साथ किया क्या है जिसके ऊपर आप जेएटी बनेंगे कि 6,000 अरब रुपए से उठ के 30,000 अरब रुपया कैसे बना और वो पैसा लगा कहाँ, क्यों लगा, कहाँ लगा, कहाँ गया. अगर इनके देखें कि इनके बिजनेसेस जो है वो कहाँ पे चले गए, पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो कहाँ पे आ गए, आप खुद देख लें, हकायक आपके सामने है. पाकिस्तान की मईशत के साथ इन्होंने क्या किया, सब चीज़ें सामने. आज पाकिस्तान को जब उसका जितनी भी टैक्स कलेक्शन है उसका आप क्या कहें, उसका 2,000 अरब रुपये तो आप सूद देते हैं उसमें. आप पाकिस्तान की तरक्की आप देखें, जब 18वीं तरवीम के बाद जो हिस्सा सूबों को जाता है उसमें आपके पास कितना बच जाता है, उसमें आपके पास बच कितना जाता है और फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास कितना आ रह जाता है. तो ये हकायक है जो अब कौम के सामने खान साहब ने बहुत जो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि मैंने 9-10 माह इनको देखा और हमने बर्दाश्त किया कि जी हम चीज़ों को देख रहे थे, हमारे चीज़ें सामने आ रही थी कि बजाय हम लोगों को ये बताते कि इन लोगों ने क्या किया, ये हमारे पे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, ये कोई पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहा गए थे, इन लोगों ने तो मुल्क को लूट के उस हालत में डाल दिया था कि आज आपका यूथ बेरोज़गार, आपका किसान बेहाल, आपके इदारे तबाहशुदा, आपका कौन सा इदारा मुझे आप बता दें, ये बता दें कि एक भी वो इदारा जो अपने पैरों पे खड़ा हो और प्रॉपर तरीके के साथ रन कर रहा हो. चलिए, एक हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन. ऑफ कोर्स शाइस्ता कह रही हैं शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू इट, लेट्स सी व्हाट शी सेज आफ्टर द ब्रेक.
वेलकम बैक टू क्यू एन ए विद पीजे मीर. बजट जैसे कहा गया जन हुआ है, इस पे और आगे बहस होगी और ये डेवलपिंग है. 21 दिन लगेंगे जैसे पहले भी कहा कि उसके बाद फिर ये थ्रैशिंग आउट होगी कौन ठीक है क्या नहीं है. लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द प्रोग्राम ये मैं इन तीनों से सवाल करूँगा, तीनों पार्टीज, एक तो अब पावर में आई है पहले दो, ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं होती है बजट से आपस में बैठ के, जो पहले अगर आप बैठ के कर लो ये जो बाद में आप कह लो दंगा फसाद होता है दैट कैन बी अवॉइडेड बिकॉज हर चीज़ आपने पहले डिस्कस कर ली हुई है. तो ये मुझे बताएं ये क्यों नहीं हम करते. पीछे आपने बहुत अहम सवाल किया ये क्यों नहीं, ये माहौल जो है जो बना हुआ था, अगर मैं कहूँगी कि पीटीआई इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत थी कि जमहूरी पार्टियाँ ये चाहती थी कि जमहूरियत का तसलसल रहे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस नेशनल असम्बली की इत्तदा की गई, बहुत पॉजिटिविटी के साथ. मुझे पता है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बहुत अच्छे तरीके से इनको कहा कि जी आप पाकिस्तान के लिए कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं, ऐसी ही अश्योरेंसेस उनको पीएमएलएन की तरफ से मिली. मगर मसला ये है कि हुक्मरानी के साथ लगता है कि फिरौनियत बोनस में मिलती है और आपने रवैये देखे कि आपने जो पॉजिटिविटी के साथ एक कदम आगे बढ़ाया उसका जवाब ये मिला हम इनको एनआरओ नहीं देंगे. भाई आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप पहले से ऐलान करते हैं ये बंदा कल गिरफ़्तार होने वाला है, आसिफ अली जरदारी जो है वो पीर को गिरफ़्तार हो जाएगा, ये शख्स इस तारीख को गिरफ़्तार हो जाएगा, आपको तारीखें कौन बताता है, आपको तारीखें कौन बताता है. अब तो मुझे सोचने पर मैं मजबूर हो गई हूँ. आई थिंक वो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को एनआरओ मिला था पहले. बात यह है कि एनआरओ क्या मिला था, एनआरओ किसने मिल दिया था. एंड मैं तो समझती हूँ कि एक फौजी हुक्मरान फंस गया था, फंस गया था, उसकी इनएबिलिटी थी, उसने मुल्क को उस नहज पे पहुँचा दिया था जहाँ उसे पता लगा कि तमाम जोड़ तोड़ करने के बावजूद भी मैं मजीद आगे नहीं चल सकता. 60 रुपए पे डॉलर कैसे रख लिया फिर उसने. देखें बात यह है, देखें ये तो अभी आप मुझे बताएं कि ये पिछले 10-11 महीने में डॉलर के साथ क्या हुआ, ये बताएं ना इसका एहतसाब कौन करेगा, ये इसका एहतसाब कौन करेगा, इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, इसका एहतसाब जो है कौन करेगा. आप ये बताएं कि आज आपकी जो आप आवाम से करके आए थे वादे 1 करोड़ नौकरियां, आप तो 1 करोड़ लोग बेरोजगार करने वाले हैं, आप 50 लाख घर और 50 लाख घर मिसमार करने वाले हैं, आपने हेल्थ और एजुकेशन दोनों का बजट कम कर दिया, हेल्थ का एजुकेशन हेल्थ का बजट 13 बिलियन से 11 पे आ गया, एजुकेशन का 97 से 77 पर आ गया, HEC का जो है वो 46 था उन्होंने 55 मांगे आपने 28 दिए, ये तो आपकी तरजीहात हैं. इस वक्त मुझे वो शहजाद कैसर का एक शेर याद आ रहा है कि सांस लेने का भी तावान किया जाए वसूल, सब्सिडी धूप पे कुछ और घटा दी जाए, ये तो आपने अवाम के साथ किया है, ये आपकी तरजीहात हैं. और आप ये बात करते हैं कि आप जो है पता नहीं किस चीज़ का हिसाब लेंगे. भाई हम तो हिसाब से कहीं भाग नहीं रहे, आप मुझे एक तारीख बताएं, एक तारीख बताएं जिस पे सदर आसिफ अली जरदारी या उनकी बहन या पीपल्स पार्टी का कोई और कारकुन पेश नहीं हुआ. आप एक तारीख बताएं, आप एक अदालत बताएं, चाहे वो एहतसाब की अदालत थी, चाहे जो है वो चाहे वो हाई कोर्ट था, चाहे सुप्रीम कोर्ट था, चाहे जो है वो सिंध की अदालत. आप कह रहे हैं कि ये अदालतें इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द गवर्नमेंट. देखिए मैं नहीं कह रही, मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि किस तरीके से चेयरमैन नैब जो है उनका इंटरव्यू आता है, जावेद चौधरी साहब का इंटरव्यू छपता है, चेयरमैन नैब का बयान आता है, एक स्कैंडल सरफेस होता है और वो स्कैंडल सरफेस होकर वीडियोस लीक होती हैं और उसके बाद जो है आप ये देखें कि फिर वो आप वही करने लगते हैं जिस चीज़ के आप दावे कर रहे थे, जिस चीज़ के दावे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे थे, उनके बाकी वुजरा कर रहे थे, वही सब बातें आपको सच होती हुई नजर आती हैं. तो मैं समझती हूँ कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पाकिस्तान का हर बाशऊर फर्द ये सोचने पे मजबूर है ये किस किस्म की हुकूमत है, इसका नैरेटिव क्या है. हाँ ये अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए, माशी बदहाली पे पर्दा डालने के लिए ये जो है कभी गिरफ्तारियां कराते हैं, कभी जो है वो ऐवान में नाचते हैं और कभी रात को 12 बजे रोते हैं. ये शहर का एक पॉइंट है, देखें जो मर्जी डिस्कशन कर लें, इधर उधर से घूम के हम आते हैं कोर्ट्स के ऊपर, नैब हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या ये इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट करती है इनको आपकी नज़र में. मैं आपके इस पे भी आ जाऊंगी लेकिन पहले मेरे बेटा कह लें, इसने ये बात की कि जी मोस्ट पोलाइट नियाजी साहब हैं, सो आई वुड लाइक टू से आई थिंक ये ज़रा मेरा ख्याल है सियासत में जो बदतमीज़ी यूथ में और जो नीचे ट्रिकल डाउन हुई है बदतमीज़ी, वो 126 दिन के धरने से हुई है,
जो बातें वहाँ कंटेनर पे खड़े हो के कही गई थी वो आई कांट इवन रिपीट देम हियर, वही बातें कल वो टीवी वही अंदाज कंटेनर वाला ही था कल भी। देखें अगर पोलाइट हैं तो जब पीपल्स पार्टी ने भी हाथ बढ़ाया, शहबाज शरीफ ने भी पहले दिन हाथ बढ़ाया, तो आप जाके मोदी की तो मिनतें आज तक हो रही हैं कि खुदाया कभी हमारा फ़ोन ले लो, खुदारा कभी हमें अपनी ओथ टेकिंग पे बुला लो, खुदारा हमसे बात कर लो, हम ये कर रहे हैं। आप गैरों की मिन्नत कर सकते हैं, आप अपने घर में अगर बेहतरी हाथ बढ़ाएंगे तो आपके हज़ार मसाइल का हल निकल आएगा। आप यहाँ शोर मचाते हैं, भाई आप रहने दें, एहतसाब के कोई ख़िलाफ़ नहीं है पीजे, ना हमारी पार्टी ना इनके। मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर पता था कि अरेस्ट हो जाएंगे, अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर एहतसाब के लिए कोर्ट्स में पेश हुए ना, पेशियों पे हुए, गिरफ्तारियां भी दी, जेल भी गए। हम ड्यू प्रोसेस वी बोथ बिलीव जमहूरी पार्टीज़ हैं आए हैं, कोई एहतसाब से नहीं बांट रहा, बट इस मुल्क का सिर्फ एहतसाब इशू नहीं है, देर आर मल्टीपल इशूज़, प्लीज़ लीव दैट टू द इंस्टीट्यूशंस। लेकिन नहीं, आपने इंस्टीट्यूशंस को भी काबू करना है। और आप मुझे बताएं जो स्कैंडल निकला था चेयरमैन नैब का, उसका बेनिफिशरी कौन निकला, कौन निकला बेनिफिशरी? इट्स ओपन, बेनिफिशरी खत्म हो गया सब कुछ उस स्कैंडल के बाद। हम कहते थे कमीशन बन जाए, पार्लिमानी कमीशन, नहीं बनाया ना, क्यों? क्योंकि बेनिफिशरी उसका फ़ायदा किसको हुआ? हुकूमत केपीके की गिर जाएगी, हुकूमत सेंटर की गिर जाएगी अगर मैंने हाथ लगाया तो, इसलिए मैं उनको नहीं लगाऊंगा, मैं बाकी ऑपोजिशन को तमाम को पकड़ के और अंदर बंद करूंगा। ये ऐसे प्लेयर हैं जो चाहते हैं एम्पायर भी इनका हो, फील्डर भी इनके हों, बैटिंग भी यही कर रहे हैं और फील्डिंग भी यही कर रहे हो, ऑपोजिशन को सारी को बंद करके। उसका सबूत आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे आया, हमेशा कितने सालों से वो आता है, वो अनवेल होता है, वो डिस्कस होता है बजट से पहले, उससे पहले डिड दे नो कि क्या रोला इन्होंने? ये चाहते नहीं, ये फोकस हटाते हैं इश्यूज से, इन्होंने 100% आप फॉलो करके देख लें, जब जब मेन इनको कैसे पता हो, हमजा को उधर अरेस्ट, इधर जरदारी साहब को, भाई वो भी पेश हो रहे हैं, हमजा भी पेश हो रहा है, व्हाट इज योर ट्रायल के जमाने में हम तो अरेस्ट हो जाते हैं, शहबाज शरीफ को इन्होंने ट्रायल के दौरान अरेस्ट किया, अलीम की अरेस्ट हुआ उस पे तो नहीं। अच्छा अब अलीम की भी कहानी सुन ले, मैं डे वन से कह रही थी ये जस्ट बैलेंसिंग, उनको निकाल अच्छा, वो बैलेंसिंग है। एक मिनट के बाद पीजे, उनको कहा गया है, चल रहा था कि उनको स्टेटस ऑफ चीफ मिनिस्टर मिलेगा, उनको ये मिनिस्ट्रियां मिलेंगी, उनको तो फुल क्लीन करके निकले। लेकिन आप मुझे बताएं बाकी जो ट्रायल पे हैं, फिरदौस आशिक खत्म, ईओबीआई खत्म, ये केपी के चीफ मिनिस्टर मालन जब्बा खत्म, स्वाति साहब जिनको कोर्ट ने जो दिया वो बैठ के आज हमें वहाँ दर्स देते हैं असेंबली में। सो इनकी ये है रियासत मदीना। क्यों जी, मुझे बताएं अब ये इनके काफ़ी चार्जेस हैं, आई नीड यू टू नो। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि नैब चेयरमैन जो है वो किन लोगों ने लगाया? देखिए बात लगाने की नहीं, लगाने की नहीं, बात खत्म है, हमसे पहले लगा ना। दूसरा जो केसेस हैं क्या हमारे दौर में अभी बने जिनमें ये अंदर जा रहे हैं? हमारे जमाने के तो नहीं है ना, हम किस तरह जा रहे हैं? तो दूसरी बात, तीसरी बात ये जो कहते हैं कि हमने किसी को रोका है, अगर इन्हें किसी बात पे कहते हैं कि जी इंसाफ हमें नहीं मिला, कोर्ट्स भी हाजिर हैं। देखिए आज अदालतों, देखिए आप मीडिया भी है, अदालतें भी हैं, आज वो दौर तो नहीं ना किसी को रोका जा रहा हो, आप जाएं, किसने रोका है, आप जिनके खिलाफ ये मतलब आपको कंप्लेंट्स है, आप टारगेट क्यों हो रहे हैं? देखिए इसलिए हो रहे हैं कि हम मैंने पहले कहा कि हम इदारों को नहीं रोक रहे, हमने इदारों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनको जो उनके इख्तियारात हैं हमने उनको चैलेंज नहीं किया। हमने इकरास्ती बोर्ड, ये नहीं है कि हम इकरास्ती बोर्ड चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ वो कौम के सामने आना चाहिए कि वो पाकिस्तान जो आपका तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान को ऐसे क्या हालात गुजरे कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस 10 सालों के अंदर कि वो 6000 से 30000 कर्जों तक कैसे पहुंचा, और इस पाकिस्तान के अंदर जो मईशत का हाल हुआ, और फिर आप देखें कि जो कुछ हुआ इतना जुल्म हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते, और फिर कहते हैं कि जी मईशत जो है
वो बुरी हालत में है, डॉलर कैसे जा रहा है, तो डॉलर को इस हालत में लेके जाने वाले कौन हैं? और फिर इनका ये कहना कि जी हमने मोदी को कॉल की, ये हमें बताएं, हमने रातों को कॉल नहीं की, हमने दिन की रोशनी में बात की है, पाकिस्तान की बात की है, और पाकिस्तान हमने नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा है कि ये पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। आप इंडिया वो हमें ना समझे कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि हमारी अफवाज और पाकिस्तान की लोग अवाम जो है, अफवाज जो है, वो सारे पाकिस्तान के दिफा के लिए हर सतह तक जाएंगे। ये खान साहब ने कहा नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होके, देखिए हम रातों को जिंदाल के साथ नहीं मिले, हम तो बड़ा, हमारा तो बड़ा क्लियर कट रात शाम थी, शाम थी, जो भी था सबके सामने है ना, वो किन हालात में उसके ऊपर काफी मोदी भी शाम को ही आए थे, ठीक है ना, शाम, हम तो शामों की बात नहीं करते, हमने दिन की रोशनी में बात की है ना, तो हमारा स्टांस जो है बड़ा क्लियर है। देखिए आखिरी बात करना चाहिए, देखिए इल्जाम ना लगाए, हकायक देखिए, सच के साथ, मेरे दोनों के साथ बड़े, मतलब मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बेटे इनके, मैं बेटे हूँ। देखिए बात यह है, मैंने ये कहना चाहूँगा कि सच और हकायक के साथ आगे बढ़ें, कौम के सामने सच रखें कि लोग, इन लोगों ने किया क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। मैं ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद इनका भी सवाल है, जवाब भी है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ज़रा ये डिटर्मिन तो करें ना, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे मीर। झूठा कौन है, सच्चा कौन है, यही हमारी एक ट्रेडिशन चलती आ रही है, और 47 से झूठ ये है, वो सच है, वो सच है, वो झूठ है, एंड दिस कंटिन्यूज एंड इट डजंट स्टॉप। अब क्वेश्चन इज, जब मैं पहले भी प्रोग्राम्स कर, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है पब्लिक का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ब्यूरोक्रेसी का, एक और एक का मिसट्रस्ट है, और ये सारा जो मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट, आप देखते हैं कि एक क्वैगमायर सा एक बन जाता है, जिसमें आज की गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, पिछली गवर्नमेंट भी फंसी हुई थी, पुरानी गवर्नमेंट्स फंस जाती हैं, इस क्वैगमायर से क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि फिर एंड में ये फौजी हमें बताते हैं कि जी हम तो बैठे होते हैं, ये हमारे पास आते हैं, अरे जी इधर से टेक ओवर करो, उधर से टेक ओवर करो, और फिर बाद में फौजी को ही बदनाम करते हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मैं पहले तो इनके फिगर्स देखें पीजे, मैं ये मेरा नहीं, स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, और उसमें सर्वे में कि हमने ₹10,600 बिलियन के कर्जे लिए इन 5 ईयर्स, ओके, एट द रेट ऑफ 2,120 बिलियन पर ईयर। तो इमरान क्यों कहते हैं, एक मिनट, ये फिगर्स मैंने नहीं दिए, ये बैंक के फिगर, स्टेट बैंक के हैं, और सर्वे में जो आए हुए हैं वो हैं, और आप मुझे बताएं कि इनका साल में 5,000 बिलियन का हो, 1 ईयर में हो चुका होगा। अब हमने जो काम किए, पावर प्लांट्स लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स कितने, और रद्दुल फिसाद, DGISPR ने, गफूर साहब ने ये बात कही है कि हमने जब जब गवर्नमेंट से उसके लिए फंड्स, मुफ्त तो नहीं होता ना कुछ काम, जब भी मांगे, जितने पैसे मांगे हमें मिले गवर्नमेंट से, ओके। ये अब ये मुझे बता दें कि जो इन्होंने 5,000 बिलियन लिए हैं ना 10 महीने में, सॉरी एक साल में, उसको आप मल्टीप्लाई करें कि 12 महीने में वो क्या होगा, 1 महीने में 5 है, तो ये इसका हिसाब तो दें कि उधर से मांग, उस मुल्क जा, खुदकशी कर लेंगे, और कल भी कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा पर रुकूंगा नहीं। भाई पहले तुम अपना पिछला मरने का हिसाब दो कि कर्ज लेना था तो खुदकशी कर लेनी थी, अभी तो वो कौम पूछ रही है कि आप फिर रहे हैं। आपको इनसे नंदीपुर का मिला हिसाब, इनसे नंदीपुर का मिला, देखे वो भी कोर्ट में है ना नंदीपुर का, अब तो वो इनके साथ बैठे ना तो क्लीन हो गए हैं, अब वो क्लीन हो चुके हैं बाबा रहवान, क्योंकि वो वहां है, वो अरेस्ट नहीं होगा, कोई अरेस्ट नहीं होगा उनमें से, सिर्फ इनके, पीपल्स पार्टी के और PMLN के लोगों के। और मैं बता दूं एक नाम अभी फिर इनकी जो इन्फॉर्मेशन की है, जो कि इनकी नहीं है, मांगे तांगे की हैं वो, कभी इधर कभी उधर, उन्होंने एक और नाम अनाउंस फ्लोट कर दिया है कि अब वो उनको कौन बताता है, ये तो अब वो भी पूछ रही हैं, हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये हमें जो कमिटी ये बना रहे हैं ना हाई पावर्ड, प्लीज़ उसको कहें कि इस 10 महीने का हिसाब भी दे दें, क्योंकि एक और नई कहानी हो रही है। वो कहते हैं, आपने एक और नया जुमला सुना है, इमरान खान आया था, माशाल्लाह खान जहां जहां आया तबाहियां फिर गई हैं,
उनकी आपने सुनी है टीवी पे, खान आया था, कोई पूछे कि वो गिरफ्तार हुए, कहना कि खान आया था, गरीब मर गया, कहना कि खान आया था, तो मतलब खान आया था, तो इस मुल्क को खान को कहो कि जो पहले वादे हैं वो पूरे कर दे। सवाल देखिए ना, इनके सवाल उठ रहे हैं, जवाब भी हैं। आपने इनसे, इन्होंने आपसे नंदीपुर का मांगा, आपने इनसे कायदे आजम सोलर पार्क का मांगा कि वन शिफ्ट क्यों है, तो ये देखिए ना, सवाल जवाब हर जगह है। तो ये मुझे बताएं कि हम किसी एक जगह पर टिक के बैठ सकते हैं, सच कौन बोल रहा है? बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है जो अदालतों में यकीनन जहाँ इश्यूज होते हैं, एहतसाब का अमल, अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रहे। जब अकाउंटेबिलिटी इंतकाम बन जाती है, सवाल जब इंतकाम कौन कर रहा है इस वक्त, तो मुझे ये लग रहा है कि जो वजीर आजम साहब का जो लहजा है, लबो लहजा, वो तो पॉलिटिकल कर लेना, डिसीजन कौन दे रहा है? देखें पॉलिटिकल क्या कर, पॉलिटिकल हम क्या कर लें? देखें ये जो अपनी नाकामियां और नाअहली को छुपाने के लिए ये जो रवैया अपना रहे हैं, अगर आप कहें कि ये पॉलिटिकल है तो मैं कहूँगी फिर सारे मुकदमा पॉलिटिकल है। मैं कहता हूँ इमरान खान बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहा है, ये कह रहा है। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना कि जरदारी साहब अंदर हो गए हैं। देखें जरदारी साहब के मैं तो कहूंगी कि पहले 11 साल का हिसाब दे जरदारी साहब के, वो 11 तो साल कि जो 11 साल वो वापस करें, तो जो तो उनके बच्चों ने उनके बगैर गुजारे। मैं कहती हूँ उस एक एक लम्हे तो का हिसाब दे, तो नून से पूछे। मैं सिस्टम से पूछूंगी, सिस्टम को करेक्ट कौन करेगा, सिस्टम को करेक्ट कौन करेगा? मुझे तो ये लगता है, देखिये आप ये जो जिसके पीछे छुप रहे हैं ना, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है, पूरी कौम कुर्बान सलाम पेश करती है, उसके पीछे अमजद साहब आप ना छुपे। देखिए अफवाज पाकिस्तान को आप ढाल ना बनाएं, फौज के पीछे छुप रहे हैं। ये अभी यही बात कर रहे थे ना, फौज ने कुर्बानियां दी, देखिए उनकी कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। आपकी नाअहली है कि आप एक धरना पॉलिटिकल धरना खुद खत्म करने नहीं जाते, आपकी हुकूमत गायब हो जाती है और आप फौज को आगे करते हैं। आपने जो है जो चीज आपने बनाना है कमीशन, आप फौज का नाम कहते हैं आप ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। देखें बात यह है कि प्लीज डोंट टेक दैट वन सिंगुलर स्टेटमेंट, देयर आर मेनी अदर स्टेटमेंट्स एंड इट वाज नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड इट वाज ब्लोन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यहां तो ये तर्जमा और तशरीह खुद बताते हैं अपने हर लफ्ज का, इन्होंने किया था ये इनके को होती हर लफ्ज का तर्जमा और तशरीह ये खुद बता रहे हैं इस वक्त। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझती हूँ ये तो वो वक्त है, आप लोगों ने तो मैं मोहतरमा फातिमा जिना को नहीं छोड़ा, जब मोहतरमा फातिमा जिना मादरे मिल्लत जब आपने उसको नहीं छोड़ा, तो बाकी आसिफ अली जरदारी तो मैं समझती हूँ कि अभी आज का लीडर है, जिन्होंने पाकिस्तान के कयाम के लिए कुर्बानियाँ दी, जब सियासत में इंतकाम की बात आई फातिमा जिना पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था। बात यह है कि आप उसके बाद देखें कि उसके बाद आप ये देखें कि जिस तरीके से उनकी करेक्टर असैसिनेशन हुई, जिस तरीके से उनके खिलाफ इल्जाम आयद किए गए, उस पर पूरी कौम शर्मसार है और ये तो अपने किए पे खुद शर्मसार होंगे। सिर्फ चंद दिनों की बात है जब इनको मतलब समझ में आएगा। अभी रात के 12 बजे रात के 12 बजे आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। क्यों जी? अच्छा पहली बात है, पीजे मीर के सच कड़वा होता है, इसलिए सच जब बोला जाता है तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये सच जो है वो तलख है, लेकिन वो सच होता है इसलिए वो कड़वा। लेकिन इनका राइट भी था। अच्छा इनका राइट। दूसरी बात यह है कि हम दोस्त ममालिक के पास या IMF के पास गए क्यों? वो हमने इसके लिए जो JIT जो बना दी है उसमें जो 24,000 हम अरब कह रहे हैं वो क्यों दिया गया? हम ठीक है, PM साहब जो है JIT हाई एक पाकिस्तान कमीशन बनेगा, बिग मंगा बना दिया आपने, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा देखिए, सड़कों पे घसीट रहे थे शहबाज शरीफ साहब, पेट भी फाड़ रहे थे, मिस्टर 10% भी कह रहे थे आपस में, ये अगले अगर पिछले अदवार उठा के लेके तो अच्छा, केसेस भी उन्हीं अदवार के हैं, उन्हीं अदवार के अंदर जो है ये ट्रायल चल रहे, चूंकि पहले इनका NRO चल रहा था, एक दूसरे को मुक मुका की सियासत थी, तो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं। अगर ये जेलों में जा रहे तो हमारा क्या गुनाह है? हमने तो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की ना, पार्क लेन के हमने तो फ्लैट नहीं लिए ना, सरा महल हमने तो नहीं खरीदा ना। अच्छा दुबई टावर हमने, हमारे तो नहीं है, इनके है ना। अगर आपको कुछ डाउट्स है कहीं भी है, हम तो हर जगह पे अपनी सारी चीजें, कल भी
آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی. بے شک آئیں احتساب, ہم کبھی احتساب سے ڈرنے والے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کل بھی ہاتھ صاف تھے. ہم نے ایک سال ٹرائل بکتا ہے, ہم نے ایک ایک چیز کورٹ کے سامنے رکھی ہے. اگر یہ اپنا انہوں نے جو منی ٹریل ہے نا, ان لوگوں نے دینی تھی. اگر نہیں دی تو اس میں ہمارا کیا گناہ؟ اگر جیلوں میں جا رہے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جا رہے ہیں نا. ہم اپنے اعمال دیکھ لیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر. ہمارا کیا ہاتھ ہے؟ کیوں جی شائستہ؟ دیکھیں پہلی تو بات پی جے, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ایک سب بھگت رہے ہیں, اور یہ دیر آر, دیکھیں جو سوال پھر ذہن میں آتے ہیں, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اپنی جوڈیشری کو کچھ, یہی تو انسٹیٹیوشنز رہ گئی ہیں جن پہ لوگوں کا تھوڑا بھروسہ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ. لیکن دیکھیں کوشچنس تو آتے ہیں نا, ویئر از دا فورن فنڈنگ کیس جو عمران خان کے اوپر ہوا ہوا ہے, نیب کے اوپر ہیلی کاپٹر کیس ہوا ہوا ہے. میری بات سنیں, جن کے یہ پیسوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو 22 خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا نواز شریف کی فیملی کا. ان کے پاس جب ان کی وہ تھی جو نیشنلائز بھی ہوئی ملیں اور سارا کچھ, وہ تو ٹریل آپ 40 سال کا مانگ رہے ہیں ان سے. کس نے کیا تھا؟ چلیں جس زمانے, وہ تو دیٹ اب یہ کھل کے بولے, نہیں اوکے پرسنل انتقام نہیں تھا, وہ ایک پالیسی کے تحت ہوا. یو اگری ود دی پالیسی؟ دیکھیں وہ تو اس کے تو لائکس, اس کے تو نیگیٹو پوزیٹو چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو ایک الگ ایک ڈسکشن ہے, وہ تو آپ پھر کر لیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے آج صرف ایک بات بتا دیں کہ عمران خان کا لیونگ بیونڈ مینس ہے کہ نہیں ہے. ان کی واٹ از ہز سورس آف انکم؟ وہ کیسے وہ مینٹین کر رہے ہیں؟ وہ کیسے رہن سہن ہے؟ آمدنی کیا ہے ان کی؟ کیا سورس آف انکم ہے؟ اور دوسری بات پھر میں کہتی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, ریاست مدینہ میں آپ جو اس خرچے پہ آپ پورے خاندان کو لے کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں, وہ سب ریاست مدینہ میں آئی تھنک آتے ہوں گے. میں نے کہا ہے نا اسٹارٹ کلیننگ یور اون ہاؤس, تو ان کا وہ کیا ہے رہن سہن؟ اور جو میرے بھائی نے بیٹے نے جو بھی بات کی کہ آپ میری بات سنیں, اس 126 دن کے دھرنے میں ایس پی صاحب جو اسلام آباد کے تھے ان کا سر کس نے پھاڑا؟ کون پی ٹی وی میں گھسا اور کون اپنے بندے لے کر گیا تھانے میں اور اپنے بندوں کو چھڑا کے لایا؟ چلیں جی منٹ, وی گاٹ اباؤٹ 30 سیکنڈز ایچ. دیکھیں بات یہ ہے پیچھے, کل عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے کہا ان کے بچے ملک سے باہر ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کے کس اسکول کالج کے اندر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے, عمران خان صاحب کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ کل انہوں نے ایک سوال اٹھایا پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور پورے نیشنل میڈیا کے اوپر کہ جی جو یہ جو دوسرے پارٹی لیڈرز ہیں ان کے بچے باہر ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتا دیں میاں والی کی کسٹڈی میں, دیکھیں میاں والی کے کس اسکول میں؟ وہ عمران خان صاحب کی ولدیت میں نہیں ہے, ان کی ولدیت نہیں ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ ان کے بچے پاکستان کے میاں والی کے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کیوں جی بتائیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ اپنے خرچ پہ ماں کے ساتھ ہیں, یہ تو پاکستان یہ پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسوں پہ ان کے بچے جو ہیں, شرم مانی چاہیے. آپ نے پاکستان کا قومی بیانیہ کرپشن بنا دیا ہے, اسی لیے آج پاکستان کی حالت ایسی, معیشت کا جنازہ کیوں نکلا؟ معیشت کا جنازہ کیوں نکلا؟ پاکستان کے ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ کرپشن, پاکستان کا کسان کیوں بدحال ہوا؟ کرپشن, پاکستان کے بچے کیوں آج بے روزگار ہوئے؟ کرپشن. تو بیانیہ تو ہمارا بڑا سچا اور کھرا ہے کہ 10 مہینے میں کون سی انویسٹمنٹ اس ملک میں آئی ہے؟ آپ ملک ملک جا کے کہتے رہے ہم چور ہیں ہم ڈاکو ہیں, کون ہے عقل والا جو اس ملک میں آئے گا بھائی؟ اس لیے ان سے پوچھیں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے. ابھی تو انہوں نے پچھلی ایمنسٹی اسکیم کے اوپر جو تحقیقات کرنی تھی نا, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن بات یہ, ہی گو ٹو دی ایکسٹریم اینڈ وداؤٹ تھنکنگ, اور ایک پاکستان کا قومی بیانیہ کرپشن بنا دیا ہے. پورے پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کو کنٹینر سے اتریں جی, اب اٹس اباؤٹ ٹائم ہی شڈ گیٹ ڈاؤن فرام. تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو فار واچنگ کیو این اے وِد پی جے میر. آن گوئنگ ڈیبیٹ, ڈیبیٹ میں کئی پوائنٹس آپ کو ادھر کے اچھے لگیں گے, کئی پوائنٹس ادھر کے لگیں گے, لیکن ڈیسیجن آپ نے کرنا ہے. اور ڈیسیجن یہ کب ہوتا ہے؟ 5 سال کے بعد.
फिर आप ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस देखते हैं, जो कि आपने देखी परफॉर्मेंस, इसीलिए आप पीटीआई को लेके आए. अब आप देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. बट गिव ईच गवर्नमेंट, जो मर्जी आए, उसका उसका अपना मैंडेट है, उसका टाइम है, उस पर चलो. लेकिन हम जो कहते हैं ना, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, तो फिर देन लेट डेमोक्रेसी गेट ऑन विद इट एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. खुदा हाफिज़.